हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज कल्चर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। संस्कृति क्या है और संस्कृति बच्चों के विकास को कैसे प्रभावित करती है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की संस्कृति में रहता है। जो संस्कृति होती है उसका व्यवहार पर और व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि बिहेवियर को और पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। इनमें से जो कल्चर है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। संस्कृति शब्द संस्कार शब्द का रूपांतर है। संस्कार से अभिप्राय है कुछ विशेष कृत्य या कुछ विशेष कार्य जो व्यक्ति को करने ही पड़ते हैं। इस प्रकार के कार्यों से व्यक्ति का व्यवहार शुद्ध और उत्तम होता है। अतः संस्कृति समाज में रहकर बालक द्वारा सीखा गया व्यवहार है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कल्चर। अकॉर्डिंग टू रेंच, संस्कृति से अभिप्राय विचारों और व्यवहारों की वे पद्धतियाँ हैं जो अधिगम द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। बाय कल्चर वी मीन द पैटर्न्स ऑफ थॉट एंड बिहेवियर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशंस बाय लर्निंग। अकॉर्डिंग टू लिंडग्रेन, संस्कृति एक समाज द्वारा विकसित तथा उसके सदस्यों द्वारा अपनाए जाने वाले मूल्यों, प्रणाली, विश्वास, मानदंड, कौशलों तथा संकेतों की बनी होती है। कल्चर कंसिस्ट्स ऑफ द सिस्टम्स ऑफ वैल्यूज, बिलीफ्स, नॉर्म्स, आर्टिफैक्ट्स एंड सिम्बल्स दैट हैव बीन डेवलप्ड बाई ए सोसाइटी एंड आर शेयर्ड बाई इट्स मेम्बर्स। किसी भी संस्कृति में दो प्रकार के तत्व या एलिमेंट शामिल होते हैं, भौतिक और अभौतिक, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो जैसे कि सड़कें, मकान, उपकरण, बर्तन, कपड़े, मूर्तियाँ, ये सब होते हैं। और अभौतिक वस्तुएं होती है जैसे कि समाज की परंपराएं, प्रथा, मानक, मूल्य, धर्म, विचार, व्यवहार आदि। इस प्रकार जो भौतिक वस्तुएं हैं और अभौतिक वस्तुएं हैं, इनके आधार पर संस्कृति दो प्रकार की होती है, भौतिक संस्कृति मटेरियल कल्चर एंड अभौतिक संस्कृति नॉन मटेरियल कल्चर। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। संस्कृति का बच्चों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें से फर्स्ट है प्रथाओं द्वारा आकृति प्रदान करना, कस्टम्स प्रोवाइड शेप। जन्म के समय बच्चा जिन प्रथाओं के बीच पैदा होता है उन प्रथाओं द्वारा बच्चे के अनुभव को और व्यवहार को एक आकृति प्राप्त होती है। जैसे ही बच्चा बोलने लगता है वैसे ही वो संस्कृति का एक छोटा सा प्राणी बन जाता है। इस प्रकार वह बड़ा होने पर सांस्कृतिक कार्यों में हिस्सा लेने लगता है। संस्कृति की जो आदतें होती है वो उस व्यक्ति की आदतें बन जाती है और संस्कृति के विश्वास उसके विश्वास बन जाते हैं। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का प्रभाव। जो पर्यावरण है वो बच्चे को दो प्रकार से प्रभावित करता है। इसमें जो फर्स्ट तो है कि जिस पर्यावरण में बच्चा रहता है उस पर्यावरण में जो बड़े सदस्य हैं वो बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसका बच्चे के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। बच्चा अपने से बड़ों से काफ़ी कुछ सीखता है। और जो सेकंड है वो है कि जो बच्चा है उसने अपनी संस्कृति के मानदंड, जो नॉर्म्स होते हैं, उसको कितनी मात्रा में सीखा है, वो उनको कितनी मात्रा में अपनाता है। नेक्स्ट है डिफरेंट चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, पालन पोषण की भिन्न भिन्न विधियाँ। भिन्न भिन्न संस्कृतियों में बच्चे के पालन पोषण की विधियाँ भी भिन्न भिन्न होती है। इन विधियों से चाइल्ड डेवलपमेंट पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी संस्कृति में फ्रीडम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है तो किसी किसी संस्कृति में डिसिप्लिन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट है मोटिवेशन बाय कल्चर, संस्कृति द्वारा अभिप्रेरणा। कुछ निश्चित बिहेवियर पैटर्न्स या नॉर्म्स होते हैं जिनको सीखने के लिए संस्कृति व्यक्ति को प्रेरित करती है। जैसे हर संस्कृति में खान पान, रहन सहन के कुछ निश्चित व्यवहार होते हैं जिन्हें बालक उस संस्कृति में रहकर ही सीखता है। बालक अपने समाज के मूल्य, नियम, मानक आदि को अपनी संस्कृति के अनुसार ही सीखता है। नेक्स्ट है प्रॉपर लर्निंग इज रिवार्डेड, उचित अधिगम के लिए पुरस्कार।
संस्कृति की उचित व्यवहार पद्धतियों को सीखा जाना आवश्यक होता है। यदि व्यक्ति उचित व्यवहार करता है तो उसको रिवार्ड दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति अनुचित व्यवहार करता है, संस्कृति के विरुद्ध व्यवहार करता है, तो उसको दंडित भी किया जाता है, उसको पनिशमेंट दी जाती है। इस वीडियो में हमने कल्चर को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।